गई हैं आपके शहर के अंदर जो NH 21 गुजरता है वो मालदेवपुर मोड़ से लेकर सतीश चंद महाविद्यालय मलग्राम होते रविदास मंदिर आगे पूरी तरह टूट गया है, जहां जानलेवा गड्ढे बन गए हैं, प्रतिदिन लोग गिर के घायल हो रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहर की सारी सड़कें लगभग टूट गई हैं, कूड़े कचरे की स्थिति है कि शहर में कूड़े कचरों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद जल जमाव की समस्या जो है, आपके काजीपुरा की सड़क जो पिछले 3 सालों से बंद है उसको चलने लायक आज तक नहीं किया गया, और उसके बाद जो ये नाला का निर्माण हो रहा है आपका NCC मोड़ से लेकर जेल होते हुए DM ऑफिस और पुनर्गठन कार्यालय, इन सारे नालों के निर्माण के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए हम लोगों ने सड़क पर उतर धरना प्रदर्शन किया, और जिस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय, इंस्पेक्टर कोतवाली जो कि तमाम लोग आए, इन लोगों ने निवेदन किया कि आप लोग की सारी मांगों को आज से ही हम लोग क्रियान्वित करना शुरू कर देंगे, अमल में लाएंगे, तब हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया है। और अगर 3 कार्य दिवस में कार्य शुरू नहीं होता है तो हम लोग पुनः एक विशाल आंदोलन पूरे जिले में सबको लेकर खड़ा किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है इससे पहले भी कितने लोग इसको पत्र को दे चुके हैं इस मामले को लेकर, पहले जनपद के नागरिकों की ओर से, विभिन्न नागरिक संगठनों की ओर से लगातार जिला प्रशासन के संज्ञान में, नगर पालिका परिषद के संज्ञान में ये समस्याएं लाई जा रही हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद इन सारे मुद्दों से बेपरवाह होकर बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने आज इस बात को अधिशासी अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट सबसे स्पष्ट कर दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम लोग पुनः सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इसके अतिरिक्त रामलीला मैदान में जो समस्या है, बलिया की ऐतिहासिक परंपरा रही है रामलीला की, रामलीला मैदान भयंकर रूप से शिकार है पानी का जमाव से और डेंगू के प्रकोप से, वहाँ CEO महोदय ने आश्वासन दिया है कि आज दिन से ही काम शुरू हो जाएगा पानी निकालने का और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का। लेकिन इसका कैसे माना जाए कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसके लिए नगर पालिका परिषद, हमारे जनप्रतिनिधि और कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार है। अगर एक की जवाबदेही कम है तो दूसरे की भी जवाबदेही इसमें है। यदि आप लोग की मांग पूरा नहीं होती तो आप लोग आगे कदम क्या उठाएंगे? हम लोग का आंदोलन आज से शुरू है, ये नहीं है।